क्वेश्चन नंबर दो, इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जापानी इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन बी टेटनेस, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी रेबीज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जापानी इंसेफ्लाइटिस। क्वेश्चन नंबर तीन, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी अल्फा सेंटोरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जुपिटर। क्वेश्चन नंबर चार, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सर गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी लॉर्ड ओवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर चार, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सर गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी लॉर्ड ओवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर पाँच, इनमें से किस पर्यटक स्थल का नाम उसे घेरे हुए पांच पहाड़ियों के कारण पड़ा है? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी पंचनगी, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी पुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंचनगी। क्वेश्चन नंबर छः, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की है? ऑप्शन ए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी डॉक्टर विधान चंद्र राय, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर सात, इनमें से कौन सा मसाला वास्तव में सूखी पत्तियां होती हैं? ऑप्शन ए कलौंजी, ऑप्शन बी जावित्री, ऑप्शन सी दालचीनी, ऑप्शन डी कसूरी मेथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कसूरी मेथी। क्वेश्चन